हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज का टॉपिक है एग। स्टूडेंट्स, आज हम एग के बारे में पढ़ेंगे एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत रेलिवेंट टॉपिक है। मेरे होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी UGC, JRF, नेट के एंड आपके TGT, PGT के स्टूडेंट्स, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से कई बार बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपके आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा एंड कमेंट ज़रूर करिएगा टॉपिक कैसा लगा है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज हम एग पढ़ने वाले हैं, अंडा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एग। प्राणिज भोज्य पदार्थों में एग एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। अंडे की संरचना पढ़ रहे हैं हम। यह सुपाच्य होता है तथा यह शिशु, बालक, प्रौढ़ सभी के लिए लाभकारी होता है। ठीक है, चाहे कोई भी एज में आप ये एग डाइट एग दीजिए डाइट में, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत हेल्पफुल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। एग क्या होता है, एग प्रोटीन का बहुत रिच सोर्स माना जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, प्रोटीन का सबसे रिच सोर्स एग को बोलते हैं। तो क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनको, उनकी बॉडी में ग्रोथ हो रही होती है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है एग। ऐसे एडोलेसेंस एज में, हर एज में एग बहुत अच्छा होता है खाना। जो लोग खाते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन लेते हैं और अच्छी क्वालिटी उनके अंदर, बॉडी के अंदर जाती है। ठीक है, इसमें सभी आवश्यक तत्वों का समावेश होता है, मतलब ऑल जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं मेनली सभी इसमें आ जाते हैं, इसलिए बहुत रिच डाइट मानी जाती है एग। प्रोटीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन ए, विटामिन डी सभी निर्माणक पदार्थ होते हैं। और एग में जो फैट होता है वो भी एनर्जी का सोर्स होता है। ठीक है, एग में जो फैट होता है जो कि एनर्जी का सोर्स होता है, वो इमल्सिफिकेशन होने के कारण सरलता से पचता है। मतलब इसका फैट जो है बहुत ईजिली बॉडी में डाइजेस्ट होता है, क्योंकि वो स्पाइसीकृत होता है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं व्हाट इज़ स्पाइसीकृत, मतलब व्हाट इज़ इमल्सिफिकेशन, ये होता क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, तो यदि वसा को पानी के साथ मिला करके फेंटते हैं या फेंटा जाए, तो वसा के कण जो होते हैं वो सूक्ष्म कणों में विभक्त होकर के पानी पर तैरने लगते हैं। ये प्रोसेस इमल्सिफिकेशन कहलाती है। ठीक है, इमल्सिफाइड फैट जो होता है, इमल्सिफाइड फैट का विशेष महत्व होता है। इसका पाचन और अवशोषण बहुत सरलता से होता है। मिल्क में, कर्ड में, एग में वसा पायस के रूप में ही रहती है, मतलब इमल्सिफाइड जो फैट है वही मिलता है। समझ में आया इमल्सिफिकेशन क्या होता है, उसको इतना फेंटते हैं फैट को, क्योंकि फैट इनसॉल्यूबल होता है वाटर में, तो इतना फेंटा जाता है कि फैट के जो कण होते हैं वो छोटे छोटे होकर के पानी में बिल्कुल तैरने लगते हैं, अलग हो जाता है फैट। उसका जो एक स्ट्रक्चर होता है उससे वो अलग होकर छोटे छोटे कणों में अलग हो जाता है। तो ऐसा जो होता है ये क्या होता है, बॉडी में बड़ी ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है इमल्सिफाइड फैट जो होता है। और ये किस में होता है आपके, मिल्क में, कर्ड में और एग में, आदि में और भी चीज़ों में पाया जाता है, लेकिन इसमें भी पाया जाता है, इसलिए ये ईजिली डाइजेस्टेबल होता है बॉडी के अंदर। बच्चों को दूध दिया जाता है, वो उसमें जो इमल्सिफाइड फैट होता है और वो उनको ईजी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इमल्सिफिकेशन का मतलब समझ में आया। अब हम संरचना की दृष्टि से एग के निम्नलिखित के तीन भाग होते हैं, मेनली तीन पार्ट्स करते हैं, लेकिन मैंने आपको कई सारे पार्ट्स में पढ़ाया है। तो अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे एग का, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, और उसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं एग का, एनाटॉमी ऑफ द एग आप पढ़ेंगे। एनाटॉमी ऑफ एन एग, आपको एग का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इनर मैम्ब्रेन है, अंदर वाली, बाहर वाली, ये आउटर मैम्ब्रेन है, और ये जो पूरा पार्ट होता है ये शेल होता है। ठीक है, शेल पूरा एग। इसके अलावा ये जो वाइट वाला पार्ट होता है ये एल्बुमिन कहलाता है। ये जो आपके धागे से दिख रहे हैं, आपको रेशे से दिख रहे हैं, ये चलाजे कहलाते हैं, चालेजा। ये जो जगह खाली है यहाँ पे बीच में, ये एयर सेल होती है, मतलब यहाँ पे हवा भर जाती है एग में। ठीक है, इसके अलावा विटिलिन मैम्ब्रेन होती है ये वाली, ये जो योक होता है, येलो वाला पार्ट जो होता है ये योक होता है, यही सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है एग का। और ये योक होता है येलो पार्ट, जिसे जर्दी भी बोलते हैं आप हिंदी में। इसके बाहर की जो आउटर मैम्ब्रेन होती है उसे विटेलिन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने इन एक एक पार्ट को अच्छे से डिस्क्राइब किया है। सो डोंट वरी, अभी आप केवल स्ट्रक्चर देख लीजिए एग का, क्लियर है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शेल क्या होती है। अंडे के बाहरी आवरण, जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, उसे हम शेल बोलते हैं। बाहरी आवरण श्वेत, भूरा या बादामी में से किसी भी रंग का हो सकता है, जो कि उसकी जाति पर निर्भर करता है। जाति पर निर्भर करता है, मतलब लोग मुर्गी का अंडा भी खाते हैं, बतख का अंडा भी खाते हैं, तो
तो जिसका जैसा एग का कलर होगा उस अकॉर्डिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। और मुर्गी की भी कौन सी जाति अच्छी जाति होती है, तो उसका बहुत वाइट एग होता है, तो वो बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। ये जो लगभग होता है पूरी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट या चूने के फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है। जो आउटर कवरिंग होती है, शेल होती है, ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और चूने के फॉस्फेट से बना होता है और छिद्रमय होता है, मतलब इसमें पोर्स होते हैं, ठीक है, छेद होते हैं। लगभग 17,000 छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्रों से ये बना होता है, ढका होता है, इसलिए इसकी संरक्षण क्षमता कम होती है। इसकी संरक्षण क्षमता मतलब एग को बहुत लंबे टाइम तक आप प्रिजर्व करके नहीं रख सकते क्योंकि इसमें छेद होते हैं। तो क्या होता है छेद होने की वजह से, जो अंदर की गैस है और आउटर एटमॉस्फेयर की गैस जो है वो आदान प्रदान होती रहती है। अंदर की गैस बाहर आ जाती है और जो बाहर की विषैली गैसें होती हैं वो छेदों के वजह से अंदर चली जाती हैं। तो क्या करना चाहिए इसके लिए, इसके सूक्ष्म छिद्रों को जो पतली झिल्ली होती है कम करती है, मतलब इसकी जो आर्द्रता होती है वो कम हो जाती है क्योंकि जो पानी होता है इसके अंदर, एग के अंदर जो थोड़ा वाटर होता है वो इससे निकलने लगता है, बाहर आ जाता है, और जो विषैली गैसें होती हैं वो एग के अंदर चली जाती हैं और एग को ख़त्म कर देती हैं, एग को ख़राब कर देती हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, अगर बहुत लंबे टाइम के लिए आपको प्रिजर्व करना है, बहुत लंबे टाइम इन द सेंस मतलब 2 to 3 days, ओके, इससे ज़्यादा एग को आप प्रिजर्व नहीं कर सकते, वो ख़राब हो जाएगा। तो क्या करते हैं इसको बचाने के लिए, नमक के और पानी के घोल में, नमक के चूने के घोल में एग को डाल देते हैं और एग को डाल करके उसको प्रिजर्व कर सकते हैं आप, या रेफ्रिजरेटर में आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं ठंडा करके, उसके अंदर नमी बनी रहे एग के अंदर, उसकी नमी नहीं ख़त्म होनी चाहिए एग की। तो इस तरीके से आप एग को प्रिजर्व कर सकते हैं, क्लियर है। वरना ये छेद जो होते हैं इससे क्या होगा, एग का वाटर बाहर निकल जाएगा और गंदी गैसें विषैली गैसें अंदर चली जाएंगी और एग स्पॉइल हो जाएगा आपका, सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो जो लोग एग खाते हैं वो जानते हैं जिस तरीके से कि किस तरीके से उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, ये तो बात हो गई शेल की। नेक्स्ट होती है इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, जिसे आप अंदरूनी व बाहरी मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि हमने ये बात करी थी आपसे यहाँ पर इनर व आउटर मेम्ब्रेन में, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कि बैक्टीरिया से कुशल रक्षा प्रदान करती है। जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन होती है इसकी वजह से कोई भी बैक्टीरिया जो होता है वो एग के अंदर एंटर नहीं कर पाता है, ठीक है। यदि आप इन परतों को टक करते हैं मतलब यूं इस तरीके से एग पे आप टक करते हैं, एग के ऊपर ऐसे टक करते हैं, तो आपको क्या होती है, बहुत मजबूत होता है, आवाज़ सी आती है टक की, और बहुत मजबूत होता है ये, ठीक है। और आंशिक रूप से ये केराटिन का बना होता है, केराटिन जो होता है आपके बालों में जो पाया जाने वाला प्रोटीन है ये उसका बना हुआ होता है, जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है। इस समझ में आ रही बात आपके, वो बहुत थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, थोड़ी सी काफ़ी स्ट्रांग होती है जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, और किसकी बनी होती है, केराटिन की बनी होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एयर सेल। एयर सेल क्या होता है, एक हवा की जगह बनती है, एज द एग एजेस मॉइस्चर CO2 लीव्स थ्रू द पोरस ऑफ द शेल, एयर एंटर्स टू रिप्लेस देम एंड एयर बिकम लार्जर, स्टोरिंग एग अपराइट इन देयर कार्टून्स इन रेफ्रिजरेटर हेल्प्स टू कीप देयर एयर सेल इन प्लेस एंड मेंटेन्स एग क्वालिटी। वही चीज़ मैंने आपको जो पहले बताई कि हवा जो होती है अंदर भर जाती है, एयर सेल ऐसी होती है, इसके अंदर नेचुरली एक हवा होती है, अगर वो बाहर निकल गई और विषैली गैस जो आती हैं वो जो एयर सेल होता है उसमें आकर के भर जाती हैं। तो अगर वो भर जाती हैं, मेनली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भर जाती है, तो वो क्या करती है, एग को स्पॉइल कर देती है। तो पूरे के पूरे कार्टून जो होते हैं, अंडे जो होते हैं, कार्टून जो होते हैं एग के, वो रेफ्रिजरेटर में रखे जाते हैं। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, बाहर की तरह की गैसें अंदर एंटर नहीं कर पाती हैं एग के अंदर, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो रेफ्रिजरेटर में रखने से उसमें नमी भी बनी रहती है और बाहर की हवा भी अंदर नहीं जाने पाती, इससे जो है एग की क्वालिटी बनी रहती है। एक दिन तक एग की क्वालिटी जो भी आपको बनाए रखना है, 1 या 2 दिन तक एग की क्वालिटी मेंटेन रहती है, क्लियर है। अगर आप उसको ऐसे खुले वातावरण में, गर्म वातावरण में छोड़ देंगे जहाँ बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो क्या होगा, उसका जो वाटर है अंदर का, ये एग के अंदर जो नॉर्मल नेचुरल वाटर होता है कुछ पार्ट में, वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, गर्मी की वजह से बाहर आ जाएगा और विषैली गैसें अंदर जाके एयर सेल में भर के एग को स्पॉइल कर देंगी, ख़राब कर देंगी। आई बस समझ में। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एग वाइट, इसे आप अंडे की सफ़ेदी बोलते हैं, श्वेत भाग या एल्बुमिन बोलते हैं, क्लियर है। ऊपरी आवरण और झिल्ली के नीचे का भाग जो होता है सफ़ेद गाढ़ा चिपचिपा अंश एग का वाइट पार्ट या सफ़ेदी कहलाता है, जो कि मोस्टली सबसे ज़्यादा होता है। आपको आपकी स्क्रीन पर एग वाइट दिख रहा होगा, येलो वाले पार्ट से अलग जो पार्ट होता है वो आपका एग वाइट होता है, ठीक है। तो एग वाइट को एल्बम के रूप में जाना जाता है, जो कि वाइट के लिए लैटिन वर्ड एल्बस से आता है। जो एल्बम शब्द है कहाँ से आता है, एल्बुमिन, एल्बस से आता है। एग वाइट
पूरे एग का 57% होता है, मतलब 57% पार्ट एग वाइट होता है एग में, ठीक है। और इसमें मेनली क्या होते हैं, पानी में घुला हुआ एल्बुमिन प्रोटीन रहता है, जो कि एल्बुमिन जब उसको हीट किया जाता है एग को, तो ताप पाकर कैसा हो जाता है, गाढ़ा और सफ़ेद हो जाता है। स्वस्थ व ताज़े एग की पहचान उसके एल्बुमिन से ही होती है, जो कि पारदर्शक होता है। अब एग को आप फोड़िए, जो लोग एग खाते हैं वो ये परीक्षण भी करते हैं, एग को फोड़िए, अगर वो वाइट वाला पार्ट येलो हो गया है बहुत ज़्यादा, या ब्राउनिश हो गया है, तो उसका मतलब वो ख़राब हो गया है, ठीक है। और अगर बिल्कुल वाइट है, इसका मतलब बिल्कुल फ्रेश एग है, रखा हुआ एग नहीं है ज़्यादा टाइम का, ठीक है, और पारदर्शक होता है। और इसमें क्या होता है, कैल्शियम और विटामिन होते हैं, इसके अलावा V1 विटामिन B1 थायमिन और राइबोफ्लेविन भी पर्याप्त मात्रा में एग में पाया जाता है। ये जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, न्यूट्रिशन वैल्यू है, ये मैं लास्ट में आपको एक एक पॉइंट में अच्छे से बताऊंगी, आपको नोट डाउन करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, हम एक एक पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं एग के, ठीक है। नेक्स्ट क्या ये बता रहे हैं, और विटामिन डी भी इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अब हम पढ़ेंगे चालेजा के बारे में। चालेजा ये होते हैं, ये जो आपको इस तरीके से धागे वाले ये रेशे दिख रहे हैं चालेजा, ये जो होते हैं ये आपके चालेजा बोले जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका क्या वर्क होता है, एल्बुमिन के टेढ़े मेढ़े धागे या गाढ़े धागे चालेजा कहलाते हैं, और ये एल्बुमिन में ही पाए जाते हैं, जो कि एग वाइट के अपारदर्शी धागे कहलाते हैं, और ये जर्दी को पकड़े रहते हैं। देखिए ये हिस्सा एग वाइट है, ये पूरा एग वाइट है, और ये देखो जर्दी है ये बीच में, ठीक है, और इसको क्या करे हुए हैं, कस के पकड़े हुए हैं, बीच में मेंटेन रहती है ये जर्दी, ठीक है। और जर्दी के आवरण को अंडे के अस्तर को झिल्ली से जोड़ते हैं, ये जितने ज़्यादा होते हैं एग उतना फ्रेश होता है, और जैसे जैसे ये ख़त्म होते चले जाएंगे एग उतना बासा होता चला जाएगा, ख़राब होता चला जाएगा, ठीक है। उसकी जो पारदर्शिता है एग वाइट की, वो ख़त्म होती चली जाएगी। फिर बात आती है मेन पार्ट की, जिसे आप योक बोलते हैं या येलो पार्ट बोलते हैं या जर्दी बोलते हैं। ये बहुत ही न्यूट्रिशनस पार्ट होता है एग का, और ऑमलेट वगैरह में यही चीज़ खाई जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनस पार्ट होता है, जो भी प्रोटीन रिच डाइट कंज्यूम करते हैं, एग लेते हैं, वो बहुत ही हेल्दी डाइट लेते हैं, क्योंकि इसमें सारे ही एसेंशियल प्रोटीन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एग में, ठीक है। जो कि जो वेजिटेरियन डाइट होती है उसमें प्रोटीन इतने प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इसमें प्रेजेंट होते हैं एग में। और जो नॉन वेजिटेरियन डाइट होती है, फ्लैश वगैरह होती है, उसमें तो बहुत सुपीरियर क्वालिटी में प्रोटीन्स होते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, मेरी बात को बहुत ही साइंटिफिक वे में समझिएगा। देखिए जो लोग, वैसे तो एग को नॉन वेजिटेरियन डाइट में रखा जाता है, लेकिन एग जो होता है वो नॉन वेज नहीं होता है स्टूडेंट्स। नॉन वेज की बात जब हम करते हैं, तो नॉन वेज का मतलब आता है फ्लैश से, मांस से, जहाँ पे मेनली मांस खाया जाता है, ठीक है। फिर चाहे वो बकरे का हो, चाहे चिकन हो, चाहे मछली हो, चाहे क्रैब हो, कुछ भी हो, जहाँ फ्लैश कंज्यूम कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, वो डाइट नॉन वेजिटेरियन डाइट होती है, ठीक है। एग जो होता है, जो लोग एग वेजिटेरियन है बट एग कंज्यूम कर लेते हैं, तो आप उन्हें नॉन वेजिटेरियन नहीं कह सकते, दे आर एगिटेरियन। कौन होते हैं वो, एगिटेरियन होते हैं। ये बहुत ही साइंटिफिकली नॉलेज देने पर मिलता है, जब आप MSc होम साइंस वगैरह करते हैं, देन आपको ये चीज़ समझाई जाती है। बहुत ही मेरी बात को आप समझिएगा, ठीक है, जो मैं कहना चाह रही हूँ। मान लो एक वेजिटेरियन है और वो केवल एग कंज्यूम करता है, उसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा है एग कंज्यूम करने के लिए, प्रोटीन रिच डाइट लेने के लिए, वो एग पर डिपेंड है, ठीक है, तो वो नॉन वेजिटेरियन नहीं हो गया, उसे आप मांसाहारी नहीं कहेंगे, नॉन वेजिटेरियन डाइट नहीं ले रहा है वो। नॉन वेजिटेरियन का मतलब होता है मांसाहारी, जहाँ पे मेनली जो लोग फ्लैश कंज्यूम करते हैं, मांस कंज्यूम करते हैं, ठीक है। बट जो वेजिटेरियन है लेकिन एग खा ले रहा है पर मांस नहीं खाता है, नॉन वेज डाइट नहीं लेता है, तो दे आर कॉल्ड एगिटेरियन, ठीक है। और कुछ लोग क्या होते हैं, प्योर वेजिटेरियन होते हैं, वो एग भी कंज्यूम नहीं करते हैं, तो वो प्योर वेजिटेरियन डाइट्स होती है, क्लियर है। और नॉन वेजिटेरियन में वो आते हैं जो मांस खाते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में, जो मैं आपको साइंटिफिकली टर्म में समझाना चाह रही हूँ, बस एक चीज़ को समझिए, ओके। तो जो येलो पार्ट होता है अंडे का भीतरी भाग पीला होता है, जो सबसे पोषक और महत्वपूर्ण अंग होता है, ये विटेजिन झिल्ली से बंद, ठीक है। कौन सी झिल्ली में बंद होता है, विटेजिन झिल्ली में, मैंने आपको यहाँ भी समझाया था। ये देखिए ये विटेलिन है, ये विटेलिन विटेजिन झिल्ली है, ठीक है, ये जो ऑरेंज कलर से मैंने कलर की है, ओके। झिल्ली में बंद अंडे के मध्य भाग में होता है, एग का संपूर्ण भार का 32% होता है। 57% में क्या था, वाइट पार्ट था, 32% में क्या होता है, येलो पार्ट होता है, जो कि वाइट पार्ट की अपेक्षा अधिक गाढ़ा होता है, ये और भी ज़्यादा गाढ़ा होता है, वाइट पार्ट से भी ज़्यादा गाढ़ा और चिपचिपा होता है, ठीक है। वाइट पार्ट इतना चिपचिपा नहीं होता जितना ये येलो पार्ट ज़्यादा चिपचिपा और गाढ़ा होता है, क्लियर है। अब हम एग की केमिकल कॉम्पोजिशन, उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू समझेंगे स्टूडेंट्स। एग में कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स पाए जाते हैं, एग के न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है, एग में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, अब हम वो समझेंगे स्टूडेंट्स। सो एग में स्टूडेंट्स 75
75% वाटर, ठीक है, कितना परसेंट वाटर होता है, 75% वाटर पाया जाता है। इसके अलावा 12-14% तक, मतलब 12-14% तक प्रोटीन होता है, और इसके अलावा आपके 11-12% तक फैट होता है। क्लियर है, ये तो तीन चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है। समझ में आ रही स्टूडेंट्स? लेकिन इसके केवल वाइट पार्ट में 7/8 भाग जल का होता है, 7/8 जो होता है वो जल का होता है, और बचा हुआ 1/8 जो होता है वो, मतलब 1/8 भाग जो होता है उसमें प्रमुख 5 प्रोटीन पाए जाते हैं, ऑफ लव्यूमिन, ठीक है, कॉर लव्यूमिन, ओवोग्लोब्यूमिन, ऑफ ग्लूसिन और ओवोक्यूगोइड। ये 5 प्रोटीन मेनली पाए जाते हैं इसके वाइट वाले पार्ट में, और इसके वाइट वाले पार्ट में एल्बुमिन बोलते हैं इसको, पूरे वाइट पार्ट को क्या बोलते हैं, एल्बुमिन बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? बहुत ही साइंटिफिकली समझा रही हूँ, उसको समझिए। ये क्वेश्चंस नेट में आते हैं, नेट JRF के स्टूडेंट्स, PGT TGT सभी समझिए अच्छे तरीके से, कि जो वाइट पार्ट में होता है 7/8 भाग इसमें इसके वाटर होता है, तथा जो 1/8 बचता है उसमें प्रमुख 5 प्रोटीन पाए जाते हैं, ऑव लव्यूमिन, कॉर्न लव्यूमिन, ठीक है, ओवो ग्लूव्यूमिन, ऑव म्यूसिन, आवा म्यूसिन, और इसके अलावा जो आपके होता है वो होता है ओवो क्यूगोइड, ठीक है, ओवो क्यूगोइड। ये 5 प्रोटीन्स पाए जाते हैं। येलो पार्ट में मेनली 2 प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ये तो वाइट पार्ट्स में 5 पाए जाते हैं, येलो पार्ट्स में 2 प्रोटीन पाए जाते हैं, ओवो विटेलिन, इसलिए मैंने इसे हिंदी में लिखा है, आप लोग हिंदी में लिखने के लिए बोलते हैं, और लिवेटिन, ठीक है, ओवो विटेलिन और लिवेटिन सेम टर्म है, थोड़ा उल्टा कर दिया है, विटेलिन लिवेटिन, ठीक है, ये दोनों जो होते हैं ये येलो पार्ट में पाए जाते हैं, और इसमें 1/2 में जल, 1/4 में वसा, 1/4 में प्रोटीन्स पाए जाते हैं येलो पार्ट में। समझ में आ रही है आपके? वाइट पार्ट में क्या थे, 7/8 में जल पाया जा रहा था, और 1/8 में प्रमुख 5 प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसके येलो पार्ट में 1/2 में जल, 1/4 में वसा, 1/4 में प्रोटीन्स पाया जाता है, ठीक है। एग में मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी में, ऊतकों के निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो वाइट पार्ट के अकॉर्डिंग येलो पार्ट में सबसे ज़्यादा कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयरन, आयरन का सोर्स होता है एग, जो कि मिल्क नहीं होता है, मिल्क इज़ अ पुअर सोर्स ऑफ आयरन, इसलिए ये मिल्क से भी अच्छा माना जाता है एग, ठीक है। तो कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन ए का रिच सोर्स होता है एग, बिल्कुल होता है, क्योंकि येलो पार्ट में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है, एग में येलो पार्ट होता है विटामिन ए, जितने भी रेड और येलो कलर के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या जो भी पार्ट रेड और येलो कलर का होता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा थायमिन, राइबोफ्लेविन भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। येलो पार्ट में विटामिन डी भी पाया जाता है एग में, गंधक, सल्फर भी पाया जाता है, ये एक एक्सेप्शनल पॉइंट आ गया स्टूडेंट्स, इसको रट लीजिए, एग में सल्फर भी पाया जाता है, सल्फर का भी अंश होता है, इसलिए ये मांस की समानता रखता है। यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है, इसलिए ये मांस की समानता रखता है, मतलब कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट नहीं लेते हैं लेकिन एग खा लेते हैं, तो वो बिल्कुल समझ लीजिए कि जो नॉन वेजिटेरियन डाइट से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस लेवल तक वो कंज्यूम कर लेते हैं। आई बात समझ में, मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे गरीबों का मांस किसे बोला जाता है, सोयाबीन को बोला जाता है। सोयाबीन जो होता है आपके जो न्यूट्रिला होते हैं, सोयाबीन जो होता है स्टूडेंट्स वो बहुत ही रिच डाइट होती है प्रोटीन के लिए, जो वेजिटेरियंस होते हैं और जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, ठीक है, मतलब जो नहीं ज़्यादा ये आपके अंडा है या पनीर वगैरह है कंज्यूम कर सकते हैं, दूध दही ज़्यादा नहीं खा सकते, वो सोयाबीन खा सकते हैं और वेजिटेरियन भी हैं। आई बात समझ में? तो ये भी मांस की समानता रखता है, इसमें सल्फर पाया जाता है, मतलब इसमें मोस्टली सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन वेजिटेरियन नहीं है और एगिटेरियन है, एग कंज्यूम कर रहा है, तो वो मोस्टली सारे ही हेल्दी न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर रहा है, जो भी ब्रेकफास्ट में एक एग विद मिल्क कंज्यूम कर रहा है, ये एज अ ऑमलेट खा रहा है, ये किसी भी फॉर्म में खा रहा है एग को, ठीक है, तो वो बहुत अच्छी डाइट कंज्यूम कर रहा है। नेक्स्ट बात आती है स्टूडेंट्स, एग में आयरन भी पाया जाता है, ठीक है, इसलिए इसे मिल्क से भी अच्छा सोर्स माना जाता है, मिल्क इज़ अ पुअर सोर्स ऑफ आयरन, क्लियर है। येलो पार्ट में लिसिथिन का भी एक सोर्स होता है, और ये लिसिथिन क्या होता है, ये इमल्सीफायर होता है, जिसकी वजह से एग ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी में जा करके, क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है, जो आपके ल्यूटिन,
और जैक्सेंथिन नामक एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। ल्यूटिन और जैक्सेंथिन नामक एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं एग में। कोलाइन पाया जाता है जो माइंड, लीवर, नर्वस कार्यों में वृद्धि करता है। कोलाइन भी आपके पाया जाता है, साथ साथ मेटाबॉलिज्म एनर्जी लेवल को भी बना के रखता है कोलाइन बॉडी के अंदर, ठीक है, वो एग से मिलता है। इसके अलावा फोलेट, सेलेनियम, कोलाइन, मैग्नीशियम, पोटेशियम के भी माइक्रोग्राम्स एग में पाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, मेरी बात समझ में आई हमने क्यों ये न्यूट्रिशनल वैल्यू पढ़ी है? बिकॉज वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ होम साइंस, केमिकल होम साइंस। हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझते हैं, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। सो वी विल स्टडी दिस, ठीक है, हमने इसको पढ़ा है, मैंने आपको समझाया है, बहुत हद तक मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको एग में क्या क्या पाया जाता है वो सब समझाऊं, बिकॉज ये बहुत कंफ्यूजिंग करता है ना एग्जाम्स के टाइम पर कि किस में क्या पाया जाता है, किस में क्या नहीं पाया जाता है। इस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, आई होप मैं सक्सेस हुई हूँ। अब एग का टेस्ट कर लेते हैं। ये जो मैं आपको ऐसी समझा देती हूँ कि मान लो आपको एग का टेस्ट करना है कि एग फ्रेश है या नहीं है, तो क्या करते हैं एग को, वही बात है कि आप उसको 17 छटांक पानी और 1 छटांक नमक मिले घोल में, अंडे को डुबोएं, और अगर वो डूब जाए तो अंडे को ठीक समझें, मतलब 17% पानी लें और 1% उसमें नमक डालें, और अगर उसको पानी में वो डूब जाता है, ठीक है, तो अंडा ठीक है, लेकिन अगर वो तैरता रहता है तो वो क्या है, ख़राब है। और दूसरा टेस्ट क्या कर सकते हैं, आप उसको रोशनी के सामने देखिए, अगर वो ट्रांसलूसेंट दिखाई दे, ठीक है, या किसी एक प्रकार का भी उसमें धब्बा नज़र नहीं आता है, कोई भी स्पॉट नज़र नहीं आता है, तो एग की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर, समझ में आ गया। इसके अलावा एग में जो होता है गर्मी की वजह से, मैंने आपको बताया वाटर का लॉस होता है, जलांश बाहर निकलता है, तो इसके भीतर की खाली जगह को भारी दूषित वायु ले लेती है, एयर सेल में भारी दूषित वायु चली जाती है। ये प्रक्रिया गर्मी के दिनों में और गर्म प्रदेशों में बहुत ज़्यादा होती है, इस कारण से गर्मी से अंडा खराब हो जाता है, बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो इसकी रक्षा के लिए इसके छिद्र को मोम के घोल से भी बंद कर देते हैं, और अगर आपको घर में अंडे को कुछ दिन के लिए रखना है तो चूने और नमक के घोल में रखना चाहिए, चूने में या नमक के घोल में रखना चाहिए, इससे एग आपका ख़राब नहीं होगा और आप उसको 2-3 दिन के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं, फ्रिज में प्रिजर्व कर सकते हैं। क्लियर बात स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कैसा लगा है टॉपिक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।